ये है पकौड़ा, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़ा हमारा बन गया है। और ये बनाया कैसे, इसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम है आपका समद किचन में। तो आज की रेसिपी है हमारी आलू प्याज के पकौड़े। को रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को करिए लाइक और शेयर, और समद किचन को करिए सब्सक्राइब। और हम बनाते हैं पकौड़े। आलू प्याज के पकौड़े बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ की कटोरी में बेसन लिया, ये बेसन इसमें डाल दीजिए। और ये है दो मीडियम साइज़ के कटे प्याज, और ये है आलू छोटा कटा हुआ, बहुत बड़े पीसेस नहीं काटने हैं, बारीक काटना है थोड़ा इसको। आलू मिक्स कर दिया है। हरी मिर्च, हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं या कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसमें हम लोग डालेंगे अजवाइन, अजवाइन डाइजेस्टिव है तो इसमें हम एक चुटकी अजवाइन डाल देते हैं। और ये डाली लाल मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला, और ये डाला एक छोटा चम्मच नमक है, लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दीजिए। और अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। हाथ धो लीजिएगा अच्छी तरह से और इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और देखना है कि बहुत गीला ना होने पाए, ये इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा थिक ही रखना है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, अब हम इसको तलते हैं। पकौड़े तलने के लिए हम कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, पकौड़े के साथ वाली चटनी बना लेते हैं। टमाटर, और ये है धनिया, मिर्चा, लहसुन, ये डाल दिया, और ये डाला एक छोटी चम्मच नमक, और बस इसको ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से पीस लेते हैं। चटनी तैयार हो गई, अब तेल भी गर्म हो गया, तो चलिए पकौड़े तल लेते हैं। यहाँ पे सरसों का तेल लिया, सरसों के तेल से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बाकी आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। और इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए इसमें थोड़ा सा हम बैटर डाल के चेक करेंगे। तो ये अगर तलने लगा है तो इसका मतलब हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। अब हम अपने पकौड़े डालना शुरू करते हैं। अब इसमें मीडियम साइज़ के पकौड़े डाल लेते हैं। करीब एक से दो मिनट के बाद इनको हल्का सा चला दीजिए, और हम देखते रहेंगे कि ये नीचे से हुए हैं या नहीं हैं। जब थोड़ा सा इनका साइड हार्ड हो जाएगा तो इनको पलट देंगे। आँच को आप मीडियम रखिए, बहुत तेज़ आँच पे इनको नहीं तलना है। अब हम इसको आधा तलने के बाद, अभी ये बहुत ज़्यादा नहीं तले हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो इसकी ट्रिक ये है कि जब हम इसको निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा कर लेंगे, और फिर जब दोबारा से तलेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी तैयार होंगे हमारे पकौड़े, बिल्कुल बाज़ार की तरह। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये पकौड़े मैंने आधे तले हुए बड़ी प्लेट में रख के फैला के रख दिए थे, जिससे ये ठंडे हो जाएं 5 मिनट के लिए। अब ये ठंडे हो गए, और कढ़ाई में तेल अब हम हाई फ्लेम पर रखेंगे और तेज़ गर्म करेंगे तेल को। इस तेज़ आंच और हाई हीट पे अपने ठंडे किए हुए पकौड़े दोबारा से तलेंगे, जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बाज़ार में भी आपने देखा होगा कि आधे तले हुए पकौड़े रखे रहते हैं, और फिर जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसको फ़ौरन दे देते हैं, तभी वो बड़े क्रिस्पी होते हैं और यमी होते हैं। तो हम भी चलिए ये ट्रिक लगाते हैं और अपने पकौड़ों को क्रिस्पी बनाते हैं। अब इसको तल लेते हैं। अब पकौड़े हो गए, इनको हम निकाल लेते हैं। एक प्लेट में टिशू बिछा लीजिए, और इसमें ताकि ये सारा का सारा एक्स्ट्रा ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये हमारे क्रिस्पी पकौड़े रेडी हैं। अब हम इनको सर्व करते हैं हरी चटनी के साथ। तो ये हमारे रेनी सीज़न के स्पेशल पकौड़े तैयार हो गए हैं। बारिश का मज़ा लीजिए इन पकौड़ों और चटनी के साथ। ये अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। समद किचन को करिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।